हे गाइस, सो वी आर इन देहरादून। हम लोगों ने मसूरी से जर्नी स्टार्ट करी थी वाया कैब। कैब ने हमसे 1650 चार्जेस किए टू ड्रॉप अस हियर। हमने ट्राई किया कि हमें बस भी मिल जाए, बट बसेस बहुत फुल जा रही थी एंड बहुत भीड़ थी। हमने वेट भी किया बट स्टिल टिकट्स नहीं मिले। सो वी हैड टू टेक कैब विच चार्ज 1650 रुपीज़ और बस का सिर्फ 80 रुपीज़ पर पर्सन था। बट फाइनली वी आर हेयर एंड वी आर जस्ट चेक इन टू आर Airbnb। ये थोड़ा अंदर साइड है, लाइक मेन रोड से काफ़ी अंदर है, 500-600 meters, but it's a cute little apartment, 1 BHK का apartment है। Let me give you a quick tour. So this is like entry से, this is our bedroom area, and यहाँ पे washrooms हैं। There are two separate washrooms, and then there is a small kitchen. छोटा सा क्यूट सा अपार्टमेंट है, लाइक विद डिसेंट प्राइस, बट आई थिंक थोड़ा और ऑप्शन अगर हम ढूंढे तो और अच्छा मिल सकता था। बट फिलहाल के लिए फॉर वन नाइट आई थिंक इट विल बी ओके। सो लेट्स सी, अभी भूख लग रही है, सो वी आर गोइंग टू अ प्लेस टू ईट समथिंग एंड देन फिर हम स्कूटी रेंट करके मालदीव तक जाएंगे। सो लेट्स गो। ओके गाइस, तो हम लोग निकल चुके हैं बाहर कुछ खाने पीने के लिए और ढूंढ रहे हैं कोई तो शॉप जहाँ पे कुछ अच्छा मिल जाए। अभी हम लोग पीपल मंडी में, लोकल मार्केट एरिया में, लेट्स सी क्या मिलता है। तो हमने जहाँ स्टे किया था उसके पास बहुत सारा ढूंढने की कोशिश करी, बट कुछ ऐसे खाने को मिला नहीं। तो हमने सोचा पहले गाड़ी लेते हैं, गाड़ी के बाद फिर सीधा खाने लेंगे। गाड़ी हमें ISBT से मिली 550 रुपीज पर डे पे, और उसके बाद हम मालदीव तक लिए निकले। रास्ते में देन हमें एक होटल मिला है ऑलिव ग्रीन्स, जो थोड़ा डिसेंट लगा, तो हम लोग भी यहाँ रुके खाने के लिए। लोग जा रहे हैं मालदीव तक के टूर्स, वो ऑलमोस्ट कवर हो चुका है, बस 3 किलोमीटर्स बचा है। रास्ते में थोड़े अच्छे से पहाड़ों का व्यू आ रहा है। यहाँ पे एक छोटा सा ब्रिज है जहाँ पे भी हम रुके हैं, बट पूरी रिवर सूखी हुई है। नॉट श्योर वहाँ जाने के बाद क्या मिलने वाला है। फाइनली हम लोग मालदीव तक पहुंच गए, और जैसा कि हमारा डर था वही हुआ। यहाँ पे पूरा सूखा हुआ था, बहुत ही हल्का सा पानी दिख रहा था, लोग भी नहीं थे, बस एक ही शॉप चालू थी, तो हम लोग वहाँ ज़्यादा देर रुक नहीं पाए। ओके, सो हम मालदीव तक का पिकनिक स्पॉट क्रॉस करके थोड़ा ऊपर आ गए, क्योंकि यहाँ पहाड़ सा दिख रहा था, तो हमने सोचा कि देख कर आते हैं क्या है आगे, बट कुछ नहीं है। एक व्यू पॉइंट पर रुके हुए हैं, जो ऐसे ही व्यू पॉइंट नाम से है, और ऊपर एक गांव है। पूरी सोंग रिवर, मतलब रिवर का नाम सोंग रिवर है, पूरी सूखी हुई है, तो कुछ मतलब वो पिकनिक स्पॉट जैसा रहा नहीं। अभी हम देखते हैं क्या करेंगे, लेट्स सी। ओके, सो मालदेवता से डिसअपॉइंट हो गए, हम आए सहस्त्रधारा। सहस्त्रधारा मालदेवता से अराउंड 10 किलोमीटर्स दूर था। वहाँ से भी जब हम आ रहे थे, बहुत बड़ा एरिया सोंग रिवर का कवर्ड है, लेकिन पूरा का पूरा एरिया ड्राई हो रखा है। पता नहीं क्यों, थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा कि यूजुअली मार्च में ऐसा होता है या क्या है, बट बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड एरिया है एंड द होल रिवर इज ड्राइड आउट। पता नहीं रीज़न, आई एक्चुअली वॉन्ट टू रिसर्च अबाउट। सहस्त्रधारा में यहाँ पे पानी तो है, बहुत सारे वाटर स्प्रिंग्स वगैरह है, बहुत लोग नहा रहे हैं, मार्केट प्लेस है, लेकिन पानी मडी वाटर है, तो ऐसे मतलब ये सब पीसफुल वाइब में आ रहा है। प्लेस अच्छी है,
एज अ टूरिस्ट, लाइक कॉमन टूरिस्ट स्पॉट है तो प्लेस काफ़ी भरी हुई है, बट लेट्स सी, मतलब इतना अच्छा वो पीसफुल वाइब नहीं आ रही है अभी फिलहाल। ओके, तो हम लोग सहस्त्रधारा में ज़्यादा देर रुके नहीं और मालदेव तक का व्यू पॉइंट भी व्यू पॉइंट जैसा मिला नहीं। बाकी वीडियोस, फोटोज, एक्चुअली अगर वहाँ पर पानी होता तो बहुत अच्छा लगता क्योंकि वहाँ से व्यूज़ बहुत अच्छे थे, पहाड़ वगैरह बहुत अच्छे दिख रहे थे। बट हमारी आज की किस्मत अच्छी नहीं है, कल बहुत ही अच्छा दिन गया है तो आज उसका अपोजिट जा रहा है, दोनों व्यू पॉइंट्स ऐवे मिले। तो हम अभी वापस देहरादून सिटी में आ गए और रास्ते में हमको बहुत क्यूट स्टारबक्स दिखा, ऐसे क्यूट वाइब दे रहा था। तो अब हम लोग थोड़ी देर यहाँ रुक गए हैं टू हैव सम कॉफ़ी, फिर देखते हैं हम कहाँ जा सकते हैं। डिसअपॉइंटिंग डे हो। आज हम लोग व्यू पॉइंट्स पे इतनी देर नहीं रुके जितना हम आज स्टारबक्स पे बैठ गए, बट अभी हम यहाँ से सोच रहे हैं कि थोड़ा सा मार्केट एक्सप्लोर कर लेते हैं। यहाँ पे बहुत कॉमन मार्केट है विच इज़ पल्टन बाज़ार, तो हम लोग वहाँ जा रहे हैं। लेट्स डू सम स्ट्रीट शॉपिंग इन देहरादून। तो आ गए हैं हम पल्टन बाज़ार देहरादून का मार्केट एक्सप्लोर करने। लेट्स सी यहाँ पे क्या मिलता है, बहुत सारी शॉप्स हैं, देखते हैं क्या ले सकते हैं। ओके, तो अभी हम लोग आ गए हैं वापस रूम में। आज का दिन काफ़ी डिसअपॉइंटिंग था, मतलब व्यू पॉइंट्स वगैरह इतने बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं लगे और मसूरी ने हमें बहुत ज़्यादा ही खुश कर दिया था, बहुत सारे मतलब हर रोज़ कुछ ना कुछ नया और कुछ ना कुछ यूनिक और बहुत प्यारे प्यारे व्यू पॉइंट्स थे। तो आज का दिन तो थोड़ा ऐसा डल से ही गया। पल्टन बाज़ार में भी हमने बहुत थोड़ी सी शॉपिंग करी, फिर डिनर करके हम लोग वापस आ गए। कल अभी हम लोग रॉबर्ट्स के वेफर आए वगैरह जाने का सोच रहे हैं, लेट्स सी कल का दिन कैसा जाता है, बट आज का तो ठीक था। सो लेट्स एंड दिस वीडियो ओवर हियर। इफ यू लाइक इट प्लीज गिव इट अ थम्स अप एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। सी यू टुमारो, बाय बाय। बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब यहाँ पे बहुत ठंडा ठंडा सा पानी है, क्लीन है एकदम, वाटर प्योर, लाइक एकदम पूरे पत्थर दिख रहे हैं नीचे के, बहुत क्लीन वाटर है।